ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इन्होंने भी नहीं किया साथ में, तो आज हम दोनों ही बिना ब्रेकफास्ट के बैठे हुए हैं। इनको लगी है तेज भूख पर जाने रहे हैं। पत्नी बता हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के ना 7:30 बज चुके हैं, जैसे कि हमको आज बुलाया था 8 बजे डॉक्टर ने, तो 8 बजे बजने मतलब 7:30 बज रहे, तो कैब मंगवा रहे हैं ये, तो हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो सभी लोग दुआ कीजिए सब कुछ सही सही हो, अच्छा अच्छा हो, और मेरी वीडियो के साथ बने रहिए दिन भर के अपडेट के लिए। तो चलें मिलते हैं, जाके देखते हैं क्या शूट करने मिलता है या नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बाहर, क्योंकि हम मेन ड्राइव को बुला लिया था, हमने कहा पहले से बाहर रहते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है हमारे हॉस्पिटल पहुंचने का। तो हॉस्पिटल यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है, जो हम लोग क्योंकि हम लोग मैदानता की तरफ रुके हैं ना, 40 से जाना है एक्चुअली हमको, तो 15 मिनट की दूरी पे है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे कैब का, तो कैब आने ही वाली है बस। तो चलें मिलते हैं इसके बाद जाके 40 में, और देखते हैं क्या बनता है आज मेरा। तो फ्रेंड्स हम लोग एंटर हो चुके हैं हॉस्पिटल ना, और मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा सा क्राउड नहीं है, भीड़ कम कम सा। हाँ ये वाला वैसे ही है जैसा आप बता रहे थे, मैं उस दिन कंफ्यूज होगी, ये मैंने सामने से नहीं देखा था ना, सामने से नहीं देखा था, तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा है करके। तो हम लोग हो चुके हैं एंटर, तो चलिए चलते हैं नीचे जहाँ पे मेरा होना है। मेरा तो गला भी अजीब सा हो रहा है, डर के मारे ही गला सूख रहा है मेरा। तो अभी नहीं है, भीड़ कम है बिल्कुल, लोग सुबह सुबह नहीं आए हुए, मेरा चश्मा टूट गया पता टैक्सी में अभी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो सुबह के 10 बज चुके हैं और मेरा जो स्कैनिंग हो गया 1.5 घंटा लगा शायद मेरे ख्याल से, मुझे तो टाइम भी याद नहीं, तो सोई हूँ मैं अंदर जाके खूब ज़्यादा। तो अभी हो गया स्कैनिंग, 10 बज रहे हैं अभी, तो चले देखते हैं रिपोर्ट कितने बजे मिलती है और क्या मिलती है। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स 11 बज चुके हैं और रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया साथ में, तो आज हम दोनों ही बिना ब्रेकफास्ट के बैठे हुए। इनको लगी है तेज़ भूख पर जाने रहे हैं। पत्नी बता रही है, चलिए भी नहीं खा रहे हैं तो मज़ा हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे साथ में। रिपोर्ट आनी है उसके बाद तो चलेगा कितने बजे खाना है नहीं खाना है ना। तो चले थोड़ी देर में मिलते हैं, नाश्ता करते हुए मिलेंगे फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम सुबह को आए थे ना 8 बजे को, तो बिल्कुल खाली था, और अभी यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ हो रही है। मेरे को कॉफ़ी पीनी है, तो देखिए यहाँ पे रेलम पेल इतना, हॉस्पिटल्स का जो हाल है ना, बुरा ही हाल है भैया। तो चले हम लोग निकलते, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, 12 बज चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं और हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। तो यहाँ पे तो वही है बस खाली हल्दीराम्स। तो फ्रेंड्स रिपोर्ट मेरी आ चुकी है और सब नॉर्मल है, तो बड़ी खुशी की बात है, नॉर्मल रिपोर्ट से कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जंप करके आई हूँ मैं। तो चलिए सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो नाश्ता करते चले। तो हम लोग आ चुके हैं कैंटीन एरिया में, फिर से हल्दीराम्स का ही खाएंगे जो भी देखते हैं यहाँ पे। तो नाश्ता कर लेते हैं, तो सब लोग नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, लंच वंच चल रहा है, तो भीड़ हो रही है यहाँ पे भी, काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पे भी। तो चले देखते हैं क्या मिलता है हमको, क्या खाने वाले हैं, क्या खिलाने वाले हैं ये हमें। तो फ्रेंड्स 12:40 हो चुके हैं और मैं कैंटीन में हम लोग पहुँच चुके हैं, तो ये गए हैं ऑर्डर करने, तो चले देखिए क्या लेके आते पता नहीं। तो नाश्ता करते हैं फिर उसके बाद मिलेंगे यहाँ से निकल के, अभी जाना है हमको मैदानता भी। तो फ्रेंड्स लंच टाइम हो चुका ना, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा रश है और शोर भी साथ में, क्योंकि कैंटीन है तो लोग खाते हुए गप्पे शप्पे मारते हुए लोग खाना वाना खाते, तो काफ़ी रश है देखिए यहाँ पे। तो चले तो उन्होंने थाली ऑर्डर करा, लंच ही हो गया हमारा, तो थाली ऑर्डर करा है, थाली में फिर उसके साथ हम लोग क्या कहते हैं कॉफ़ी लेंगे साथ में, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इन्होंने भी नहीं खाया आज मेरे चक्कर में, मेरे को पता टेंशन हो रहा था। चलिए सब नॉर्मल है रिपोर्ट्स मेरी, शाम को फिर शाम को मैदानता भी दिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को, मैदानता भी जाना शाम को, मैदानता में अपॉइंटमेंट है मेरा। कॉफ़ी आ चुकी है, तो बड़ी तलब थी कॉफ़ी की, दिन के 12:45 हमको कॉफ़ी मिली है मुश्किल से जाके, तो चले कॉफ़ी पिए और ये टोस्ट वोस्ट कुछ लाए। तो फ्रेंड्स ये आ चुकी है हल्दीराम की थाली, गुलाब जामुन है, पापड़ है, सैलेड है, मिर्च है, रायता है, मिक्स वेज है, चावल है, पनीर है, दाल है, लच्छा पराठा और एक चपाती है। हाँ नहीं खा पाती थी, हाँ वही इतना सारी, अच्छा तो अच्छा लग रहा थाली देखने, बड़ा स्वादिष्ट सा लग रहा, तो चलिए मैं थाली एंजॉय करती हूँ, और एक मैगी भी मंगवा रखा है, तो मैगी भी खाते हैं। तो चलें, तो फ्रेंड्स लंच भी हो गया है, लंच करके अब हम लोग यहीं से निकल रहे हैं, 40 से लंच करके निकल रहे हैं। तो चलें इसके बाद अब जाएंगे पहले रूम पे, फिर रूम से जाएंगे मैदानता, ठीक है। इनसे जैसे कैंटीन से जैसे आते ना बाहर को, तो यहाँ पे बड़ा सा वेटिंग एरिया टाइप का, तो यहाँ पे लोग मिलेंगे आपको काफ़ी सारे बैठे हुए इस तरह से,
और यहाँ पे जहाँ भी ये स्टैचू है, बच्चे का स्टैचू, ऐसे मास्क पहन के जो बना हुआ है ना, तो यहाँ पे प्लांट्स कितने प्यारे प्यारे से लगे हुए, इतने सुंदर लग रहे हैं, वाइट पॉट में, येलो पॉट में, बहुत अच्छे से लग रहे हैं, खूबसूरत से। तो मेन गेट है, हाँ, इतना अच्छा प्लांट पॉट्स, इतना अच्छा, हाँ भाई, लोहे से ज़्यादा स्टील का संगमरमर लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं तो कुछ काम नहीं है, तो लगे हुए वीडियो बनाने पागल होते। हाँ जी बताइए, कुछ कहेंगे आप? सुनाई नहीं दे रहा है आपको? रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई, बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, आप प्रेग्नेंट भी हो गए, अंडर प्रेग्नेंट भी। अच्छा, तो चलिए, रिपोर्ट नॉर्मल आने की खुशी है थोड़ी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये अपना 40s, तो बाय बाय 40s, अब एक साल बाद हम मिलेंगे, फिर एक साल बाद आपको 40s फिर मिलेंगे, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, चले बाय बाय। हम सोच रहे हमारे दुलारे भैया लोग पहुंच चुके हैं होटल, और होटल के बाहर में टमाटर उगे हुए, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक टमाटर है। अच्छा हाँ वही, तो ये टमाटर है, यहाँ टमाटर लगे हुए हैं, हाँ कीड़ा हो सकता है तो नहीं लगाऊंगी हाथ। तो चले पहुंच चुके हैं होटल में। तो फ्रेंड्स 3 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं मेदांता की तरफ, तो कैब आ रही है, तो मेदांता भी हम लोग, वो सामने से आ रही है, तो हम लोग कैब से ही जा रहे हैं, मेदांता है तो पास में ही, पैदल भी जा सकते हैं, बट क्या कि धूप लगी हुई है अभी और गर्मी हो रही है। मैंने अपना स्वेटर रखी यहाँ पे कमर में, बांध रखा कमरिया में, क्योंकि अंदर इतना तेज एसी रहता है तो ठंड रहती है यार अंदर में, तो मेरे को अपना ये सब कुछ लेके चलना पड़ता ताम झाम सारा। तो चले बैठ जाती हूँ, कैब आ चुकी है। तो फ्रेंड्स हम लोग ना पहुँच चुके हैं मेदांता, तो देखिए गाड़ियाँ वगैरह आ रही है, तो यहाँ पे है मेदांता का जो एंट्रेंस है, तो हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ पे एक्चुअली वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लास्ट टाइम जब मैं आती थी ना सर्जरी के टाइम पे, तो मेरे को बहुत बार मना कर दिया जाता है कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट मेरे को ना 40 से ज़्यादा यहाँ पे कम्फर्टेबल लगा। हाँ वो 10th फ्लोर में था ओपीडी, तो हाँ 10th फ्लोर में जाना है हमको, हमारा जो डॉक्टर साहब जो हमारे बैठते, जो मेरे सर्जन है वो बैठते 10th फ्लोर में, तो मैं बंद कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मुझे बोला कि वीडियो बनाना मना है, मगर मैं फिर भी चली हूँ बनाते हुए। तो ये सामने वाले एरिया में देखिए, मन्नत के धागे हैं ये जो लगे, नहीं यार ये जो सामने दिख रहे हैं ये देखिए मन्नत के धागे, यहाँ पे नीमा ने बांधा था लास्ट टाइम मन्नत का धागा, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था नीमा ने मन्नत का धागा बांधा था। तो यहाँ से लगे देखिए लाइन में ये, अच्छा यहाँ पर तो ये 10th फ्लोर पे जो ओपीडी है ना, वहाँ पे इतना भीड़ रहता है हमेशा से, मतलब कभी भी कम नहीं होता है यहाँ पे भीड़, जब भी हम आएंगे तो भीड़ हमेशा ही मिलेगी यहाँ पे, बहुत ही भीड़, बैठने तक की जगह नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉक्टर सरीन जो मेरे सर्जन है वो बैठते हैं, तो उन्हीं से मिलने के लिए आई हूँ, और उनके साथ तो वीडियो बनाना नामुमकिन ही है, मतलब नहीं बनाएंगे। ये देखो बच्चे को शरारत कर रहा है, देखिए चेयर खिसका के कहाँ ला ली, देखिए ये देखो, ये देखिए इस बच्चे को, ये मेदांता में हूँ इस समय, और ये बच्चा शैतानियाँ कर रहा है यहाँ पे, है ना, खेल रहा है छोटा सा बच्चा एक, मतलब कि देर से अपनी मामा को परेशान किया हुआ है ये बच्चा बिल्कुल, और मैं वीडियो बनाने लगी फिर। तो 3 बजे का था अपॉइंटमेंट और हो चुके हैं अब 4:45, और हम लोग अभी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो यार बड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पे ना, इतना टाइम लग जाता है, अपॉइंटमेंट के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो पता नहीं कितने बजे अपॉइंटमेंट मिलता हमारे को ना। तो डॉक्टर साहब का क्योंकि ओटी था तो ओटी से लेट आए, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं, 1.5-2 घंटे से बैठे बैठे थी, हालत ख़राब। चलिए देखते कितने बजे यहाँ से निपटते हैं, उसके बाद फिर पहुँचेंगे रूम पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ के वेटिंग एरिया से, जो बाहर वाला वेटिंग एरिया ना, यहाँ से इस तरह का जो व्यू है नज़र आता है, गुड़गांव नज़र आता है यहाँ से, देखिए क्या बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, कॉन्क्रीट का जंगल आगे तक नज़र आएगा, बहुत आगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो ये है कॉन्क्रीट का जंगल पूरा का पूरा, ये देखिए मेदांता से दिखा रही हूँ मैं अभी, मेदांता में उस समय तो अपॉइंटमेंट था मेरा 3 बजे का सॉरी, और 5 बज चुके हैं, तो अभी तक लगा नहीं नंबर। तो यहाँ भी इसी तरह से रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो चलिए देखते हैं कितने बजे टाइम आता है, शायद नंबर आने ही वाला है। तो फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 7, और हम लोग दिखा के आ चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम एक पेशेंट के साथ भी मैंने वो करा, पेशेंट को बताया कि किस तरह से ये ऑपरेशन के क्या क्या वो रहता है, कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, वो सब डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि उनसे आप बात कर लें, मिस ऐश्वर्या थी कोई, तो उनसे बात मैंने करी है। तो उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैंटीन। तो हम कैंटीन में आ गए, हम लोग खाते पीते ही पाए जाते हैं हमेशा, तो चलिए दिखाऊँ कैंटीन। ये देखिए यहाँ का जो कैंटीन है काफ़ी बड़ा है, जैसे वहाँ का मैं दिखा रही थी 40s का 2-3 दिनों से। तो ये देखो अंकल जी यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं ऐसे हाथ जोड़ के, तो यहाँ का कैंटीन काफ़ी बड़ा सा है, देखिए यहाँ पे वहाँ का इतना बड़ा नहीं है, वहाँ पे ऑप्शंस भी कम है, क्या कहते हैं वहाँ अपने 40s में ना। तो यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी तो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी था कोस्टा कॉफ़ी, यहाँ पे पिज़्ज़ा हट भी है, KFC भी है यहाँ पे, द फूड स्टॉल भी है, और वेंगो
वेंगो करके भी, तो यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ है। तो पिज़्ज़ा हट भी है, पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा तो टेस्टी नहीं होता ना, मैं तो डोमिनोज वहाँ उसका शिकागो पिज़्ज़ा का खाऊंगी, मैं शिकागो पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा टेस्टी होता। तो ये सर्च कर रहे हैं कि क्या खाएं क्या खाएं, ये देख रहे हैं। कम एयरपोर्ट लगता है मैदानता, तो मुझे नहीं लगता है, हॉस्पिटल कम ही लगता है यहाँ पे, हॉस्पिटल वाली फीलिंग कम आती मैदानता में। तो फ्रेंड्स हो चुका है चेकअप वेकअप और मैं बिल्कुल मैदानता के बाहर आ चुकी हूँ। तो चले बाहर से दिखाती हूँ मैं आपको, उस तरफ से मैदानता है ना उस पार जाके दिखाती हूँ अभी। और यहाँ पे ना हमको ऑटो नहीं मिलता, हम लोग एक्चुअली ऑटो को देख रहे हैं क्योंकि टैक्सी जो है ना कैब हमने नहीं बुक कराई है, क्योंकि हमने कहा यहाँ से तो पास में ही है तो ऑटो से ही चले जाते हैं। तो चले मैं इस साइड से दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत ही बड़ा सा जो हॉस्पिटल है मैदानता, मतलब मुझे ना कुल मिला के उससे ज़्यादा 40 से ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल लग। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मैदानता का जो हॉस्पिटल है ना यहाँ पे। तो ये बिल्डिंग देखिए यहाँ पे, ये इतनी 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 ऊपर है, ये कितना 14-15 फ्लोर है इसमें ना, 15 फ्लोर। तो इस वाले जो इसमें इसके सेकंड फ्लोर में मेरा हुआ था सर्जरी यहाँ पे, और इसके यहाँ पे 8th फ्लोर में थी मैं एडमिट इस साइड में। तो यहाँ पे रही थी मैं कुछ दिनों तक एडमिट 8th फ्लोर में, और बाकी रेस्ट रेस्ट इसी फ्लोर में हो जाते हैं सारे के सारे। ये वाली जो बिल्डिंग है इसमें सब पेशेंट्स को मतलब वो है रूम्स हैं यहाँ पे सारे। तो इस तरह का है, तो काफ़ी बड़ा सा हॉस्पिटल है। तो फ्रंट है उस तरफ से पीछे तक। हाँ चलो पैदल घूमते घूमते चलते यार। तो चलिए हम लोग ना वॉक करते करते निकलते हैं रूम की तरफ, क्योंकि मैदानता के पास में ही है रूम हमारा जी। गुड इवनिंग, तो शाम के बजने वाले हैं 8-10 मिनट रह गए 8 बजने, और अभी अभी पहुँचे देखो कमरे में, और मैंने मुँह धो दिया है, मुँह धो के कोकोनट ऑयल अप्लाई करके बैठ गई हूँ मैं। तो ये देखिए मेरा स्कार, इसी स्कार के विषय में मैं वहाँ पे एक लेक्चर अच्छा सा देख आई हूँ एक पेशेंट को। डॉक्टर सरीन ने मुझसे कहा कि प्लीज़ आप उन पेशेंट से मिल लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्ञान झाड़ने में। तो मतलब मैंने वही जो भी अच्छा जो भी बातें मेरे को देखे ना ऐसे कर रहे, मतलब जो जो भी बातें थी जो सच्चाई थी मैंने बताया उनको, कि बाद में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और आवाज़ नहीं, मतलब आवाज़ नॉर्मल रहती है। जो जो भी मेरे साथ जो जो भी मेरे को क्यूरीज थी वो सब उनको भी थी, तो वो सब मैं उनकी दूर करके आई, तो उनको मोटिवेट करके आई कि आप ऑपरेशन करवा दीजिए। तो चले फ्रेंड्स आज का जो वीडियो मैं इसको एंड करती हूँ यहीं पे। तो कल को मिलेंगे अब नैनीताल में जाके, पर रस्ते की वीडियो के साथ। तो कल का वीडियो भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है कल का व्लॉग मेरा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है मेरे साथ में, मैं मतलब जो मेरी रिपोर्ट थी सारी की सारी नॉर्मल आई। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो उसका रिपोर्ट था ना, क्या कहते उसको अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट था उसमें दिखाया था अंदर में ना, मैंने देखा था अल्ट्रासाउंड करते हुए यहाँ पे 3 जगह कुछ दिखा रहा था, लम्स टाइप के थे उसमें। तो मैं डर गई थी, मैंने कहा यार क्या, और डॉक्टर बार बार उसको वो कर रही थी, जो अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर थी वो बार बार कर रही थी, और उसने वहाँ पे कुछ वो भी करा था। तो उसमें दिखाया था या तो लम्स है, लिम्फ नोड्स हैं, या फिर फैट है करके। तो मुझे लगा कि कुछ खतरा है, तो वो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है यहीं पर एंड करते हैं, वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कल को मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा हाथ भी दुख गया है अभी तो।